सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी दोपहर के बजे है 2, यहाँ पे बन रहा है कंटिन्यू गाजर की खीर। हाय आदि, और आदि यहाँ पे होमवर्क करने के लिए बैठ गया है। होमवर्क यानी व्हाट यू आर डूइंग आदि? ड्रॉइंग यू। ड्रॉइंग मम्मी? यस। अरे वाह, रूमी नाइस। ओके प्रॉम्प्ट। चलो यहाँ पे आदि भी कर रहा है अपना होमवर्क, कुछ ना कुछ तो करता रहता है। तो हमारी खीर के लिए जो ये है वो पक गया है पूरी तरह से। अभी डाल देनी है स्टेज पे शुगर। थोड़ा पता चल ही जाता है कि अभी ये पक गया है, तो अभी शुगर डालने का टाइम आ गया। वैसे कुछ है नहीं, चलिए अभी शुगर डाल देते हैं। थैंक यू। हेयर? ओ माय गॉड, आवर है मम्मा ना हेयर? यस। ब्लू कलर ना छे? यस। इट्स बबलिंग। इट्स बबलिंग। यस। व्हाट इज दिस? Bubbling. ના, શું છે? શાક. શાક નથી, ગાજર ની ખીર છે. And what you are making? તને ઇડલી ખાવાનું. This picture me and mama. Where? Show me. In a house. We have a house. અરે વાહ. And a garden. હા. And a mud. And a mud next to mama. Yes. And શું કરીએ છે આપણે બંને? Making a picture. Where is Shivu? Here. Where is Daddy? Daddy's gone and work by here because we go in school. Okay. That's Daddy is gone. Daddy, what's this? A house. What's the house? ट्री हाउस। नहीं नहीं खेलेंगे और नहीं होमवर्क करेंगे पहले रूम में, हॉल में। यहाँ पे ही मम्मा जहाँ पे होती है वहीं पे सबको चिपके रहना है बस। मम्मा, we make a picture. I know. चलो इसमें डाल दी है शुगर। ये रही ब्राउन शुगर, जितने प्रमाण में चाहिए उस हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके चलो अभी ये दूध ले लिया है साइड में थोड़ा सा गर्म करके, और इसमें मिल्क पाउडर मिला देंगे और फिर इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल दिया है, तो अभी बस 2 मिनट के लिए पका के बंद कर देना है गैस। नादी, I made a picture. I'll make again picture. Okay. I'll make more pictures. चलो हमारी खीर जो है वो रेडी है। यहाँ पे गाजर की बहुत ही क्रीमी सी बनी है, मैंने टेस्ट कर ली थी थोड़ी सी, अभी रहने देना है, कल तक बहुत सी ज्यादा क्रीमी हो जाएगी। अभी बनाते हैं चेवड़ो। फाइनली टाइम आ गया चेवड़ो बनाने का। इडली हजी बनावानो मारो। हाँ इडली बनावानो ने तारू हमरा बनाओ। ओके हाँ। चेवड़ो बनावीने बनाओ। इडली पहला। इडली पहला? हाँ प्लीज ना। ओके चल बनाई दो पहला इडली। चलो तो पहले इडली बना देते हैं, कब आएगा मुहूर्त हमारा चेवड़ो का। शिवांश की बहुत ही अच्छी सी, फिर कभी बनाऊंगी ना तभी रेसिपी दूंगी, आज नहीं दी है। शिवांश हैप्पी? हाँ उसको करना नहीं है ये, पर करना पड़ेगा। शिव एक तो फिनिश करनी ही पड़ेगा। हाउ इज इट आदि? गुड। गुड, लाइक इट? I just ate one. Oh, good. Shiv bhai bhi? हाँ। चलो सरस। अभी ना मैंने सोचा कि टेम्परेचर 9 है, तो बच्चों को लेके ना सभी क्रिसमस लाइटिंग और सभी जगह पे बहुत अच्छी अच्छी लगाई हुए सब लोगों ने, तो दिखाने के लिए और राउंड लगाने के लिए जाऊंगी, पर यहाँ पे तो बारिश हो गई है स्टार्ट, नहीं जा पाएंगे। देखो हमारे सामने वाले जो घर है ना वहाँ पे भी बहुत अच्छी सी लाइटिंग्स लगा दी है, ये पेड़ बीच में आ रहा है। अभी देखते हैं कल जाएंगे मे भी। अब अच्छा लगता है ना सब लोगों को लाइटिंग वगैरह देखना क्रिसमस में, है ना शिव? चल जा क्रिसमस लाइट्स जो। हाँ। नॉट टुडे, काले जैसो। हाँ। कल भी टेम्परेचर अच्छा है, 10 है टेम्परेचर। कहाँ से कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता। आज तो पूरा दिन गिरीश मेरा किचन में ही गया।
जो आप खा रहे हो ऑलरेडी चिवड़ो चिवड़ो यस यहाँ पे खीर बन गई है कैरेट की ओके और यहाँ पे बन रही है वघरेली खिचड़ी और यहाँ पे बना है वघरेला दही ग्रीक स्टाइल योगर्ट क्रीमी ले कहाँ से कहाँ गया ये सो गुड मॉर्निंग एवरीवन यहाँ पे गिरीश रेडी होके जा रहे हैं किशन कह रहे पे बहुत मिस कर रहे हैं आपको लोग ऑफ कोर्स तो आ क्यों नहीं रहे हो आप हमारा क्रिसमस टाइम चल रहा है यस क्रिसमस टाइम चल रहा है तो बिजी चल रहा है शेड्यूल तो कल जाएंगे ना आज है क्रिसमस ईव एनीवे क्रिसमस ईव सो हैप्पी हां तो आज है क्रिसमस ईव यहाँ पे चल रहा है ब्रेकफास्ट और गिरीश रेडी होके जा रहा है किशन कैरी पे तो आज है गेस्ट को भी डिनर पे बुलाया है कौन आवे नो आप ही के फ्रेंड आ और कल जाएंगे हम लोग लंदन क्रिसमस मनाने के लिए यस क्रिसमस मनाने के लिए इंडिया से आपको नहीं लेगा आप लोगों को बहुत टाइम के बाद ब्रेक मुझे हूं गए लो बेतन बार बहुत टाइम के बाद ब्रेक मिल रहा है अभी सच अच्छा जरूर छे जरूर छे एक्चुअली चलिए बाहर बहुत ही अच्छी सी धूप आ गई है 9:15 बजे हुए हैं और मैं अभी मेरा जो रेगुलर सुबह का शेड्यूल होता है वो बेड्स बनाना और पर्दे वर्दे खोलना क्योंकि अच्छी सी धूप आती है तो सब कुछ पर्दे वर्दे खोल के फ्रेश हवा आने देती हूँ यहाँ पे तो चलिए ये काम कर लेते हैं आज वैसे बहुत अच्छा टेम्परेचर रहने वाला है 11 तो अभी देखते हैं कुकिंग से मुझे थोड़ा बहुत का टाइम मिला तो बच्चों को लेके जाऊंगी मैं बाहर अभी तो क्लीनिंग थोड़ा बहुत है वो कर देते हैं धूप आती है तो कितना अच्छा रूम भी लगता है मुझे अभी फिलहाल 10 बजे है और यहाँ पे सैंडविच का कार्यक्रम दोनों का चल रहा है और पूरा घर जो है वो मैस कर दिया थोड़ा बहुत टैडी किया शिवांश ने क्योंकि बाहर अच्छी सी मैंने धूप देखी तो दोनों भाइयों को बोला कि थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने चले जाओ और उस बीच में इतना बड़ा जो वॉर हो गया ना दोनों के बीच में दोनों इतने शिवांश ने रोया आदि इतना रोया फाइनली झुक करवाया है और खाने बिठा दिया है क्या क्या लगता है आप लोगों को ऐसा है कि दो भाई होते हैं वही झगड़ते हैं या दोनों बहनें होती है तो ही झगड़ती है भाई बहन होते तो नहीं झगड़ते पता नहीं क्या मैंने मुझे ऐसा लगता है जो बहनें होती है ना वो कम झगड़ती है दो भाई बहुत ज्यादा झगड़ते हैं जब से हॉलीडे स्टार्ट हुई है तब से झगड़ रोज फाइटिंग होती है रोज मैं इसी बीच में दोनों को अलग करते करते ही थक गई कोई बात नहीं अभी और एक वीक निकालना है फिर स्कूल चले जाएंगे फिर थोड़ी शांति हो जाएगी दोनों में उसी बीच में मैं भी थोड़ा ब्रेड बटर खा ही लेती हूँ ओके तो यहाँ पे इतना अच्छा समय आ रहा था मैंने सोचा कि यहाँ पे एडिटिंग कर दूँ अच्छे से लेटे लेटे पर नहीं इन दोनों को तो माँ से चिपके बिना चलता ही नहीं आई डोंट वांट एनी मोर फाइट आंटी ओके चलो ऊपर के रूम सारे के सारे हो गए क्लीन अभी दो तीन दिन के लिए घर पे नहीं है तो थोड़ा अच्छा सा ही क्लीन करके जाए वैसा सोच रही थी मैं क्योंकि आने के बाद बहुत बोर होती हूँ मैं ये सब कुछ करने के लिए वैसे भी कपड़े वगैरह और सब कुछ इतना हो ही जाता है दोनों के दोनों ऊपर है और यहाँ पे टीवी चालू करके ऐसे ही चले गए हैं बताओ लाइट चालू टीवी चालू किसी को कुछ पड़े ही नहीं है बताओ कितना ही सिखाओ यहाँ पे कपड़े भी धुल चुके हैं तो वो भी लगाने हैं तो आज का जो मेन्यू है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी से मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगी ये वीडियो का एंड करके पर सब रेसिपी वगैरह सब कुछ कल के वीडियो में आएगा और कल के वीडियो में बहुत सारी अच्छी अच्छी कमेंट आई एक तो ये कमेंट आई कि आप प्लीज आदि के साथ बात कीजिए वो वाला वीडियो ज्यादा रखे गुजराती में वैसे तो वो बोलता है कम बोलता है जब भी बोलेगा अच्छे से तब तक रखती जाऊंगी और दूसरी बात कि किसी ने पूछा कि कथा क्यों नहीं दिखा दे रही अभी उसकी बेटी ना बहुत छोटी है और कनिष्क के जैसी ही है सोती कम है रोती ज़्यादा है जागती ज़्यादा है तो इसीलिए वो भी अभी एक महीने की भी नहीं हुई है फर्स्ट ऑफ जनवरी को एक महीने की होगी तो आई थिंक उसके बाद मैं थोड़ा बहुत झा पाऊंगी वो बेचारी बुलाती तो है कथा कि आ जाया करो कभी कभी पर क्या है ना बच्चे अभी हॉलीडे है ना तो शिवांश आदि भी घर पे है और ती होती है या फिर सोती होती है तो इसीलिए मैं नहीं जा पाती पर नहीं डेफिनेटली जाऊंगी फिर मिलवाऊंगी कथा से भी क्योंकि वो भी बोर हो गई है अभी घर में अभी क्रिसमस है आज अभी तो आज वैसे हम लोगों ने प्लान किया था कि अगर हमारा पर्सनल कोई प्लान ना हो तो मिलेंगे कथा के मम्मी जो है वो कुछ स्पेशल बनाने वाली थी हमारे लिए वो एक्चुअली आज बनाने ही वाले हैं तो अभी दिखाऊंगी क्या क्या बनाएंगे वो मैं उसे बोलूंगी कि थोड़ी सी क्लिप लेके मुझे भेजे क्योंकि
आई थिंक क्या तंदूरी समथिंग बोली, मुझे याद नहीं है, पर बहुत अच्छी आइटम बनाने वाले थे कि हम लोग मिलेंगे साथ में बैठेंगे और सब कुछ, पर द प्रॉब्लम इज गिरीश के फ्रेंड जो है उन लोगों को मैंने इनवाइट पहले कर दिया था तो वो लोग आएंगे तो उसके साथ भी बहुत ही मजा आएगा। तो किसी ने बोला कि बटेटा वड़ा बनाओ, पर आज नहीं बनाऊंगी, फिर कभी बनाऊंगी, मे बी नेक्स्ट वीक और समथिंग। तो आज तो समोसा बनाना है। तो चलिए अभी तो वीडियो का एंड कर देती हूँ, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आई होप कि आपका व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वन। प्लीज ऐसे ही कमेंट करिया कीजिए तो मुझे पता चले कि मुझे आगे आगे क्या रखना है। सो थैंक यू सो मच अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर। और सिर्फ समोसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं वो कल के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी।